सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। व्हाट्सअप गाइस, दिस इज AQ, वेलकम माई YouTube चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन प्रॉब्लम होता है तो इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और इस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ईजी स्टेप है दोस्तों, इस स्टेप को फॉलो कीजिए। अगर आपने हमारे AQ Tech हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, ओके, ये जो अकाउंट है इसके ऊपर यहाँ पर आपको बता दूंगा साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। ओके, ये जो प्रॉब्लम है इसकी प्रॉब्लम को आज मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। दोस्तों आपको विंडोज़ की प्रेस करते हुए R प्रेस करना है और यहाँ पर एक रन कमेंड बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है REGET, ओके, रिजेक्ट, ओके के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है HE लोकल मशीन, इसके ऊपर यहाँ पर ये एरो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर का ऑप्शन दिखेगा, ओके, ये सॉफ्टवेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये सॉफ्टवेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट का, ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के ऊपर क्लिक करें, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वाले के ऊपर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है विंडोज़, ओके, यहाँ पर देखते हैं ये विंडोज़ कहाँ पर है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर ये विंडोज़ के ऊपर क्लिक करना है। विंडोज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन देखने को मिलता है करेंट वर्जन, ओके, उसके ऊपर क्लिक करें। थोड़ा सा इसको साइड में लेकर बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर पॉलिसीज़ के ऊपर क्लिक करना है। देखते हैं यहाँ पर पॉलिसीज़ कहाँ है। ओके, यहाँ पर ये जो पॉलिसीज़ है उसके ऊपर ये एरो के ऊपर क्लिक करें। इस एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है। सिस्टम के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको एनेबल LUA, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये जो वैल्यू डाटा है इसको वन कर दीजिए। वन करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। AQ Tech हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें।